सरस पहुंच है। अब मैं सतनाली में मेरे को 2 घंटे लग गए, और उससे पहले पाली में गए वहां गए थे नागल सरोई में, और अभी कम से कम 14 गांव का प्रोग्राम और है। बहुत ज्यादा यहाँ कोई डेथ होगी थी मेरे ख्याल से, डेथ होगी, इसलिए इन्होंने कहा जी हमको लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ आपने आगे भाषण देना है। ठीक है, बड़ा ऐतिहासिक जगह है, बाबा जयराम दास का आशीर्वाद रहा है और बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। किस प्रकार से कल किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने आरोप लगाए? नहीं नहीं, वो मेरी बात हो गया, सुबह मेरी बात हुई उनसे, कोई ऐसे आरोप नहीं। उन्होंने फोन किया था, मैंने उठवाया, मैं उससे पहले मैंने फोन किया था, मैं तो बल्कि 3 बार उनसे मिल भी लिया, और वो उद्घाटन पे भी आई थी, आज भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। वो सिर्फ कहने वाले ज्यादा थोड़ी बात कहते हैं, वो नाराजगी उनको ये थी कि भाई वो अब मैंने फोन किया था आपने उठाया नहीं, तो मैंने उनसे बता दिया मैडम मैं स्पीच दे रहा था उस टाइम पे। बाद में जब मैंने देखा रात को 1:30 बज चुके थे, मैं अब तो फायदा नहीं कोई, अगले दिन मैंने बात कर ली, वो बोले मेरी नाराजगी ये थी, मेरे से एक बार बात तो कर लेते, तो वो कोई दिक्कत नहीं हमारे, बिल्कुल ठीक है, कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं, और एवरीथिंग इज फाइन, सारे भाई लग रहे हैं जी जान से, और बिल्कुल 100% भगवान हिदायत से जीत सुनी। इस प्रकार से पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उसको लेकर मोदी जी तो भाई दादरी में आए थे, तो 2019 में आए थे ना, क्या हुआ 19 में क्या हुआ था, आ रहे थे कैंडिडेट 2019 में, मोदी जी रेवाड़ी भी आए थे, क्या हुआ जी आ रहे थे, बस तो मोदी जी आ लिए और जा लिए, अब कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा जनता का चुनाव है, जनता चुनाव लड़ रही है, किसी को नहीं पूछ रही, और जनता ने मन बढ़ा दिया, वो कांग्रेस को मतदान कर रही। सत्य सटीक बेबाक